हे गाइस, व्हाट्सअप कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के व्लॉग में मैं कुछ व्यूज़ रखने वाली हूँ अपने, जो कि है 90 डेज नोटिस पीरियड एंड वर्क फ्रॉम होम पर, एंड आल्सो 2022 में जो ट्रेंड चला है ऑफ़र पर ऑफ़र लेना, तो उसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ आज के वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप लोगों में से जो भी लोग कॉरपोरेट जॉब्स करते हैं उन्हें पता होगा, आजकल मोस्टली कंपनियां अपने नोटिस पीरियड 90 डेज रखती हैं, और इवन स्टार्टअप्स जो अभी ओपन हो रहे हैं, कुछ टाइम ही हुआ है उन्हें मार्केट में आए हुए, उनका भी नोटिस पीरियड 90 डेज है। और इसको लेकर के ना बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है कि 90 डेज नोटिस पीरियड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद 90 डेज नोटिस पीरियड उतना मैंडेटरी नहीं है जितना कि कंपनियां इसको बना के रखी हुई हैं कि नहीं, आपको 90 डेज नोटिस पीरियड सर्व करना ही है। तो कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं जिन जहाँ पर बाई बैक का ऑप्शन है, तो आप पैसा दे करके रिलीज़ हो जाएंगे, बट बहुत सारी कंपनियों में ये ऑप्शन नहीं है, आपको मैंडेटरी 90 डेज नोटिस पीरियड सर्व करना ही है। और इसके पीछे कंपनियां लॉजिक ये देती हैं कि हायरिंग प्रोसेस और हैंडओवर इन सारी चीज़ में 90 डेज का टाइम लग ही जाता है, तो इसलिए 90 डेज नोटिस पीरियड मैंडेटरी होता है। मतलब रीज़न तो यही बताते हैं वो लोग, बट क्या एक्चुअली में कंपनियां जैसे ही कोई पर्सन रिज़ाइन करता है उसके बाद से वो तुरंत हायरिंग करना स्टार्ट कर देती हैं? नहीं, एक्चुअली ऐसा कभी नहीं होता है। मैंने कभी नहीं देखा किसी भी एडवर्टाइजमेंट में, Naukri.com, Indeed, कहीं पर भी, कि वो ये डालें कि नोटिस पीरियड 90 डेज। ऐसा 60 डेज भी नहीं मिलता है, 90 डेज तो छोड़ ही दीजिए, या तो इमीडिएट ज्वाइन है या फिर 30 डेज है। तो 2022 में एक नया ट्रेंड चला है, और जिसका रीज़न मुझे ऐसा लगता है कि ये 90 डेज नोटिस पीरियड ही है, ऑफ़र पर ऑफ़र लेना। आपका नोटिस पीरियड 90 डेज है और आपने रिज़ाइन डाला, फिर सपोज़ आपको 15 दिन या 30 दिन बाद, अबाउट 1 मंथ के बाद आपको कोई ऑफ़र मिल गया और आपने वो लिया, अबाउट अगर हम कोई एक फिगर माने तो 4 LPA का अगर आपको कोई ऑफ़र मिला है और आप अपना नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हो, आपने बोला हाँ इस दिन से मैं ज्वाइन करूँगा, तो उसके बाद से आजकल क्या हो रहा है, उस ऑफ़र पर कैंडिडेट और ऑफ़र ले रहे हैं क्योंकि वो नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हैं, तो उनके पास अभी भी 1 or 2 months का टाइम है एक्सप्लोर करने के लिए, तो वो उस ऑफ़र पर और ज़्यादा पैकेज की डिमांड करते हैं, और उन्हें मिलता भी है। आजकल 2022 में ये बहुत ज़्यादा है कि आप 2-3 ऑफ़र या 4-5 ऑफ़र बहुत सारे कैंडिडेट रखते हैं, और जो हाईएस्ट पैकेज का हो रहा है जनरली उस कंपनी को वो ज्वाइन करते हैं। इससे जो एचआर डिपार्टमेंट है, जैसे कि किसी ने आपको पहला ऑफ़र दिया, आपने बोला हाँ हम ये इस डेट पर ज्वाइन कर लेंगे, और फिर आप 1 week, 10 days या फिर इमीडिएट 1 day पहले बताते हो कि नहीं हम नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, तो उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसा लिंक्डइन वगैरह पर भी देखने को मिला है, उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है कि आप मतलब ये बहुत गलत चीज़ है कि आप ऐसे कर रहे हो, तो फिर आप 90 डेज का नोटिस पीरियड रख ही क्यों रहे हो? अगर आप रखोगे तो जाहिर सी बात है कैंडिडेट एक्सप्लोर करेगा ही, क्योंकि उसके पास बहुत टाइम है, और आप 90 डेज नोटिस पीरियड रख तो लेते हो लेकिन 90 डेज नोटिस पीरियड के कैंडिडेट को हायर नहीं करते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ऑफ़र पे ऑफ़र वाला ये पैटर्न चला है 2022 में, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न 90 डेज नोटिस पीरियड है। और सेकेंड, जो वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन आया है ड्यू टू कोविड पैंडमिक, उसकी वजह से भी ना, पहले क्या होता था कि आप अगर बॉम्बे में हो तो आप ज़्यादातर जॉब्स जो देखते थे वो बॉम्बे के आसपास ही देखते थे, ज़्यादा से ज़्यादा महाराष्ट्र देखोगे, आप साउथ और नॉर्थ में जॉब्स देखने नहीं जाओगे क्योंकि आपका घर यहाँ है, आप यहाँ रह रहे हो या आप बहुत टाइम से यहीं पर हो, आपका एक फिक्स हो गया है आपको यहाँ पर रहना है, या आप फ्लैट ले रहे हो या लेने वाले हो, जो भी हो, तो आप जिस एरिया में हो उसी में आप जॉब देखते हो, स्पेशली जिनके होम जहाँ पर हैं, जैसे अगर किसी का होम मुंबई में है या किसी का घर बेंगलोर में है तो वो उस एरिया में ही जॉब देखेंगे। बट वर्क फ्रॉम होम में क्या हो गया है, आप कहीं भी रह करके कहीं कभी जॉब, कहीं के भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। मोस्टली कंपनियां आजकल रिमोटली या वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन देती हैं, तो वर्क फ्रॉम होम की वजह से भी ऐसा हो रहा है कि हमारे पास एक्सप्लोर करने को काफ़ी सारे एरियाज हो गए हैं, तो इसलिए भी अब ऐसा हो रहा है कि कैंडिडेट के पास बहुत सारे ऑफर्स आ जा रहे हैं,
और वो उसमें से कोई एक चूज़ कर रहे हैं जो भी हाईएस्ट पैकेज का रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो आपको नोटिस पीरियड 90 डेज नहीं रखना चाहिए, या फिर आप अगर रखते हो तो आपको 90 डेज नोटिस पीरियड की कैंडिडेट को हायर भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारी कंपनियां ऐसा करती हैं कि 90 डेज नोटिस पीरियड की कैंडिडेट को नहीं लेती हैं, बहुत सारी कंपनियां भी लेती हैं बट बहुत ही कम, ज़्यादातर 1 मंथ या 1 वीक या इमीडिएट ज्वाइनिंग ऐसे ही चल रहा है इस टाइम पर मार्केट में। तो आपका क्या व्यू है इस बारे में कि क्या 90 डेज नोटिस पीरियड होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो फिर क्या ऑफ़र पे ऑफ़र लेना गलत है? तो अपना व्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के ब्लॉग में इतना ही, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।